बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मदिया रास किचन। आज मेरे किचन में एक बार फिर बहुत ही यूनिक सी डिश बनने वाली है जिसका नाम है ग्रीन राइस। जी, ये बेसिकली मेरी रेसिपी नहीं है बल्कि एक मेरी बहुत ही क्लोज और डियर प्यारी सी फ्रेंड है जिसका नाम है युसरा, ये उसकी रेसिपी है। जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे राइस बना के खिलाए थे, ओ माय गॉड, आई लिटरली फेल इन लव विद दिस रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की डिश बनती है। उफ़, आप लोगों को अगर आप बिरयानी और पुलाव खा के बोर हो चुके हैं तो गिव इट अ ट्राई। तो चलें हम करते हैं बनाना स्टार्ट। चलिए जी, देखिए सबसे पहले जो है हमें अपने ग्रीन राइस बनाने के लिए जो है ना चिकन को करना पड़ेगा बॉईल। यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है 1/2 kg चिकन बोनलेस और इसको मैंने इस तरह से देखिए स्मॉल क्यूब्स के अंदर कर लिया है कट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखें वाटर जो है मेरा ऑलमोस्ट हो गया है बॉयल, तो यहाँ पे मैं ये चिकन इसमें कर दूंगी ऐड। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पानी आपको चिकन बॉईल करते वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये जो इसका ब्रॉथ बनेगा या जो स्टॉक बनेगा यही हम राइस में यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए मैं इसमें डालूंगी अपना चिकन पाउडर 1 teaspoon एंड मैं यहाँ पे सॉल्ट डालूंगी 1/2 teaspoon, क्योंकि हमारे चिकन पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है इसलिए सॉल्ट हम रखेंगे कम। अच्छा जी, चिकन देखिए हमारी जो है वो खूब अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर हो गई है टेंडर। अब मैं जो चिकन है इसको सेपरेट एक बोल में निकालूंगी और इसका जो स्टॉक है उसको हम कर लेंगे सेपरेट। देखिए ग्रीन राइस बनाने के लिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रीन होंगे और इसमें बहुत सारी ग्रीन चीज़ें यूज़ होंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए, इसे आप हरा धनिया बोल दीजिए या कोरिएंडर बोल दें या सिलांट्रो बोल दें, ये मैंने ले लिया है 1 bunch, ये पूरा मैं डाल दूंगी अपने ब्लेंडर में। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मिंट जिसे पुदीना भी कहते हैं, ये भी मैंने सेम उतनी ही क्वांटिटी में लिया है जितनी क्वांटिटी में हमने अपना कोरिएंडर या हरा धनिया लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे जी। अच्छा जी, इसके बाद देखिए यहाँ पे है मेरे पास हरी मिर्चें, यस, यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज यूज करूंगी। इस राइस के अंदर जो है हम कोई और चिली नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रीन चिलीज यूज़ होंगी। सो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कितना स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं। देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन ये बड़े साइज़ की तकरीबन 8 हरी मिर्चें ले ली हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी ही पसंद है। अगर आप माइल्ड खाने वाले हैं तो आप 1-2 कम कर लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले हैं तो 1-2 बढ़ा लीजिए। ठीक है जी, ये भी हो गया। और यहाँ पे देखें अब करना है हमने इसकी, जैसे ग्रीन चटनी बनाते हैं ना उस तरह से हमें इसकी चटनी बनानी है। तो पानी मैं यहाँ पे सिर्फ डालूंगी रफली 1/2 cup मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको करना जल्दी से मिक्स। ये देखिए बिल्कुल मेरी जबरदस्त सी चटनी पिस चुकी है और ये जो हमारा मेन स्टेप था ये हो गया है। अब हम करते हैं अपने राइस बनाना स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अब करते हैं अपने राइस बनाना स्टार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पॉट, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 cup ऑफ ऑयल, 1 tablespoon ऑफ जीरा जिसे सफ़ेद जीरा भी कहते हैं। अच्छा देखिए जीरा जो है मेरा थोड़ा सा ये कड़कने पे जिसे बोलते हैं आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर इसी पॉइंट पे ऐड कर दूंगी अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने लिया है 1 tablespoon ऑफ जिंजर एंड 1 tablespoon ऑफ गार्लिक। अच्छा देखिए जिंजर गार्लिक भी हमारा थोड़ा सा शोर मचाने लगा है, इसी पॉइंट में इसके अंदर जो हमने चटनी बनाई थी वो सारी चटनी ग्रीन चटनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसे हमें हाई फ्लेम करके इतना कुक करना है कि ये भुनने थोड़ा सा भुनने से लगे और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगे। ओके, तो तकरीबन अब इसको हम 3-5 minutes के लिए कुक करेंगे। अच्छा देखिए जो हमारे ग्रीन, मैंने आपको बताया था जो मैंने चटनी सी डाली थी वो ऑलमोस्ट देखिए ड्राई होने पर आ गई है, ऑयल इसमें होने लगा है सेपरेट। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो चिकन, देखिए हमने बॉईल करके रखी थी 1/2 kg चिकन को मैंने क्यूब्स में कट करके बॉईल किया था, मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। फिर इसको हम हाई फ्लेम करके तकरीबन 5 minutes के लिए कुक कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसमें अपने राइस ऐड। अच्छा देखिए जो चिकन है हमारी ये थोड़ी सी भुनने पर आ रही है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 chicken stock cubes। देखिए जैसे ही हमारे चिकन स्टॉक क्यूब इसके अंदर डिजोल्व होंगे वैसे ही इसके अंदर हम फौरन कर देंगे राइस अपने ऐड। अच्छा जी देखिए बिल्कुल मेरी चिकन मज़े से भुन रही है और जो मैंने इसमें चिकन स्टॉक क्यूब्स डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं डिजोल्व। अब देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमने चिकन बॉयल की थी उसके साथ जो ब्रॉथ था वो हमने सेपरेट कर लेना था,
हाफ के जी देखिए राइस है मेरे पास, हाफ के जी मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन। इसमें जो मैं चिकन ब्रॉथ डाल रही हूँ ये तकरीबन है 3 कप्स, सही है। तो ये हम इसमें डाल देंगे अपना चिकन ब्रॉथ। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी बासमती राइस को जो है वो सोक करके रखा हुआ था फॉर 1 आवर के लिए, वो मैंने इसके अंदर अब कर दी है अपने ऐड। अब इसको हम चला लेंगे। उस वक्त मैंने जो यखनी थी वो मैंने पूरी नहीं डाली थी, मैंने तकरीबन 3/4 डाली थी और 1/4 रोक ली थी, इसीलिए कि अगर आप सारी यखनी एक साथ डाल देंगे और बाद में आपने राइस ऐड करे और पानी ज़्यादा हो गया तो आपके राइस हो जाएंगे सॉफ्ट। यहाँ पे मुझे देखें थोड़ी सी और डालनी है, सो मैं यहाँ पे ये देखिए इतनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। सब चीज़ें हमारी चली गई हैं, अब हम अपने राइस को लगा देंगे लेट और उसको कुक होने देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। बीच बीच में आप आके चेक करते रहिए कि आपके राइस जो बिल्कुल अच्छे से गल जाएं, तो यानी कि बिल्कुल आपकी ग्रीन राइस रेडी हैं। सो विल सी यू आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ये देखिए मेरे ग्रीन राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनको मैंने कर लिया है डिश आउट। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर डाल दिया है उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। उफ़ क्या ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। सो आप लोग को अब पता चल गया होगा कि इसका नाम ग्रीन राइस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी इंग्रेडिएंट जो हैं वो ग्रीन यूज़ करी हैं, इसीलिए ये यूनिक भी है और मज़ेदार भी है। तो चलिए अब आप लोग जाइए और बनाइए ग्रीन राइस और मुझे बताइए कि ये आप लोगों को कैसे लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विल सी यू सून विद न्यू रेसिपी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।